आपने ये कैसे कह दिया कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है और इस्लाम जो है इंसान ने बनाया, मतलब आपके पास जानकारी थी, आपके पास जानकारी थी या वो खत्म हो गई या आपने झूठ बोला, आप दो में से एक बात मान लें। नहीं, इस चीज की हमको जानकारी है कि ये क्या नाम है, धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा किया था है, और किसी भी मजहब जानकारी उसको साबित कीजिए उसके बगैर आगे नहीं बढ़ने। लेकिन हिंदू धर्म का स्थापना किसी आदमी ने नहीं किया है भाई, मैं उसकी दलील पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला, कितनी मरतबा पूछूं आपसे, क्या बता दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म का स्थापना मोहम्मद साहब ने नहीं किया था। मैं मुस्लिम धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ, आपने दावा किया हिंदू धर्म की स्थापना भगवान ने की, ईश्वर ने की, उसकी दलील तो उसके बगैर आज छुट्टी नहीं आपकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की लाइव स्ट्रीम में एक सनातनी भाई आए हैं जो ये कह रहे हैं कि भगवान ने धर्म की स्थापना की है और इस्लाम मजहब इंसानों ने बनाया है। ये सनातनी भाई अपने धर्म को ही सच्चा धर्म मान रहे हैं जबकि इन्होंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। तो इन सनातनी भाई को मुफ्ती यासीन नदीम साहब और उस्मान इब्ने फारूक साहब ने कैसे जवाब दिया है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट या रॉन्ग? जी हेलो, बोलिए जनाब। सर हम, हाँ सर, हमको तो एक जानकारी लेना था आमिर जी से। अच्छा, तो आमिर साहब तो चले गए, फिर आप उनकी स्ट्रीम में जाइएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, सुनिए ना सर, फारूक जी आपसे, आप ही कुछ हमको बता दीजिए, कुछ जानकारी दे दीजिए। जो हमने आमिर जी से कल पूछा था, उन्होंने ये जानकारी नहीं दिया, वो भाग गए। हम मुझे आपसे भी कुछ जानकारी दीजिए, हमको सवाल कर लीजिए। हाँ, हमने उनसे जानकारी ये पूछा था कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 1800 साल पहले हुआ था जी नहीं, तो कब हुआ था उनका जन्म? 1400 साल से जरा आगे चला गया, करीब 1400 साल, ठीक है। चौदह साल तीस में तो क्या 1400 साल पहले जो लोग थे, जो क्या मूर्ति पूजा होती थी? बिल्कुल, तो यानी कि जो मक्का मदीना है वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी? जी बिल्कुल होती थी। अच्छा, तो जब मोहम्मद साहब आ गए, जन्म हुआ इनका, ये बड़े हो गए, तो इन्होंने पहले अपनी पहली पारी पर शादी की थी, शायद कोई खादिजा नाम की जो बेगम थी उनसे की थी, जो महारानी या कुछ थी। माशाल्लाह, आपने सीरत बहुत ज्यादा पढ़ी है। नहीं, पढ़े नहीं है, जो कुछ जानकारी है हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये सही है ना। तो बड़े आसान सवाल आते हैं। बिल्कुल, खदीजा रजिया से शादी हुई थी। जी, और उसके बाद 40 साल बाद उन्होंने ये जो मैं क्या नाम है आयशा, इनसे शादी की 40 साल बाद। नहीं, मेरे ख्याल से राइट या रॉन्ग, रॉन्ग साहब आप एक काम करें, आप सवाल कर लें, आप जो है यहाँ पर ये ना खेलें कि ये सवाल, यानी छोटे छोटे सवाल ना करें, पूरा सवाल कर लें कि मसला क्या है। नहीं, मेरा सवाल केवल ये है कि अगर 1400 साल पहले अगर मूर्ति की पूजा होती थी तो वहाँ उस टाइम जितने लोग थे वो सब काफिर थे, बस ये मेरा सवाल है। अच्छा, बहुत आसान सवाल है। देखिए, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब भी काफिर थे, उनकी माँ, उनके दादा, वो सब काफिर थे। चलिए, अब आपका सवाल हो गया, जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उस वक्त बुत परस्ती थी, बिल्कुल थी, उस वक्त कुफार थे और उस वक्त भी अहलुल फितरा थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बुत परस्ती को नहीं मानते थे। अब तारीखी, मतलब उसके अदिल्ला सही अहदीस में आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस स्ट्रीम में इतना टाइम नहीं है। हमारी वन मैसेज फाउंडेशन पे भी, मस्जिद रिबात की चैनल पे, मेरे सीरत का दर्स होता है, सीरा नबविया मिन अहदीस सहीहा, जो सही अहदीस से हम सीरत पढ़ाते हैं। तो उसमें जब प्री इस्लाम अरेबिया, जो इस्लाम से कबल असल जहादिया की गुफ्तगू होती है, तो उसमें जो लोग अहलुल फितरा थे या जो नसरानी भी थे लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम के सही मजहब पे अभी तक चल रहे थे, उनका नाम, उनकी तारीख, किस किताबों में है, सनदन सही, वो सारा मैंने बयान किया है। ठीक है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की पूजा नहीं की, कभी बुत की इबादत नहीं की, क्योंकि तारीख की किताबें हमने ये बात वाजे आई है कि वो बुत की इबादत नहीं करते थे। ठीक है, अब ये बात है कि जो ज्यादातर उस वक्त अमूम लोग थे वो काफिर थे, बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुत की परस्ती करते थे। जब इस्लाम की रिसालत आई
तो उन्होंने जिन्होंने हक को कबूल किया, जैसे खतीजा रदी अल्लाह आपने कहा वो बिल्कुल पहली मुसलमान हुई थी, और जैसे और हैं उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अबू बकर, हमजा रदी अल्लाह अन्हुम, वो मुसलमान हो गए, और जो कुफर पे रहे अबू जहल वगैरह अबू लहब, तो वो काफिर हुए। बात आसान है जी? नहीं, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं जो उनकी पहली पत्नी थी वो मुस्लिम हो गए, ऐसा बात नहीं। तो जहां तक हमको जानकारी है कि वो ऐसा नहीं है, वो उनकी मरने जो उनकी मृत्यु के बाद, हम बता देना सर, उनकी मृत्यु के बाद जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने जो है अपने धर्म का प्रचार किया या इस्लाम धर्म की स्थापना या चालू शुरुआत की, इससे पहले कोई भी लोग थे? अच्छा, ये आपने किधर पढ़ा है? सर जो भी चीज हमने पढ़ा है ये पढ़ा नहीं, नहीं है, हमने कहीं ना कहीं की जानकारी ली। नहीं, शेख उस्मान साहब इन्होंने नहीं पढ़ा, कह रहे हमने पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप से मालूम आता है। आपने पढ़ा नहीं है तो जाहिल बंदा अपना राय नहीं देता, पहले पढ़े। आपने इब्न कथीर कभी पढ़ी है? ना सर, हमने सर आपको ये सवाल इसलिए पूछा। एक सेकंड, आपने कहा ना आपने अपना कॉल दिया है कि नहीं ऐसे था, तो भाई दुनिया को भी पता होना चाहिए कि आप जहल से बोल रहे हैं या इलम से बोल रहे हैं। इब्न इसहाक कभी पढ़ी है? नहीं, मैंने किताब कोई नहीं पढ़ी है। कोई भी किताब का मतलब है कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। आपने एक किताब भी इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ी, तो आपका तो भैया हक नहीं है कि आप मुझे बताएं कि खतीजा रदिया मुसलमान कब हुई। पहले जाके किताब तो पढ़े। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं कहूँ भाई मैंने फ्रांसी जबान कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन फ्रांस जबान में इस तरह होता है, तो आप कहेंगे भाई अगर आपने एक दा एक किताब भी नहीं पढ़ी तो आपकी राय को कौन हक देगा? देखिए मैं पढ़ाता हूँ, देखिए जब किसी से गुफ्तगू हो तो कान खोल के होनी चाहिए, ठीक है, बात सुने। आपसे मैंने इसलिए पूछा था, अगर आपने किताब में पढ़ा होता तो फिर बिल्कुल मैं आपकी बात की तहकीक करता। मेरे पास ये लाइब्रेरी जो है ये शो के लिए नहीं है, मुफ्ती साहब की पीछे आप किताबें, ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये पढ़ने के लिए होती है। हमारा पूरा एक सेक्शन है लाइब्रेरी की उस तरफ है, आपको दिखाने से, वो सिर्फ सीरत की किताबें, ठीक है, एक तारीख की किताबें हैं, तो उनमें जाके हम सनद देख के, ये भी सिर्फ नहीं कि बस किताब में है, हम सनद देख के सही अहदीस देख के फिर हम उस पर अपना एक नजरअंदाज बनाते हैं कि खतीजा रदिया मुसलमान हुई थी। ये आप अब इस इब्ने इसहाक में जाए, इब्ने हिशाम में जाए, इब्ने कथीर में जाए, दबी अल इसाबा, तमीज अल सहाबा, इब्ने हजर, किसी में भी आप जाए, ये बात लिखी हुई है। अगर आपने कभी किताब ही नहीं पढ़ी और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, तो भाई जिसने पूरी लाइब्रेरी किताबें पढ़ी है, सीरत पढ़ाता है, उसकी बात आप मानेंगे, जिसने कभी एक किताब भी नहीं पढ़ी उसकी बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे इसका? चलिए फारूक जी एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए किसी ने हमको कोई गलत जानकारी दिया तो उसके बारे में हमको जानना नहीं चाहिए? नहीं तो उसके बारे में हमको जानना चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसी चीज को हम आपसे पूछ रहे हैं, कि आज से 14 वर्ष पहले जब सब लोग मूर्ति पूजा करते थे तो सभी के सब हिंदू थे, ठीक है, तो ये फिर उसके नहीं, पहली बात ये कि हर एक जो बुद्ध की इबादत करता है वो हिंदू नहीं होता, हिंदू एक दीन धर्म है, वो दूसरा है। हर एक अमेरिका में जो क्रिश्चियन बुद्ध की पूजा करते हैं वो हिंदू नहीं होते। दूसरी बात ये जो मुशरिकीन कुरैश थे वो हिंदू नहीं थे, वो विरदास और ये चीजों में नहीं ईमान रखते थे, वो बुत परस्त थे लेकिन हिंदू नहीं थे। और नबी ना मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की इबादत नहीं की, ठीक है, और जिन लोगों तक इस्लाम पहुंचा वो काफिर तो होते हैं ना, वो काफिर तो होते हैं ना। बात सुने, इस्लाम से पहले इसको असर जाहिलिया कहते हैं, उसके दौरान भी अहलुल फितरत थे, ऐसे लोग थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, दीनुल हनफिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनको पता था। कुरैश से भी जब पूछा जाता था ना कि दुनिया समाज किसने बनाई, कालू, वो कहते थे अल्लाह, वो ये नहीं कहते थे राम और सीता और भगवान और ये चीजें नहीं। तो अब बात ये आई, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप पहले ऐसे करें कि आप यूट्यूब में जाएं, आप डालें उस्मान इब्ने फारूक सीरा, आप दर्स लें, आप पहले वो देखें, पढ़ें, समझें, जब आप समझ जाएं तो फिर आके सवाल करें। चलिए ठीक है, राइट या रॉन्ग साहब, एक बात ये कह दूं कि आप लोगों के मुताबिक तो हिंदुइज्म कोई मजहबी नहीं है,
कैसे आप लोग हिंदू एक मिनट हिंदू धर्म जो है मजहब नहीं है। हिंदू एक धर्म है। मजहब और धर्म में आपका अंतर पता है? आप लोग को पता है, लेकिन आपके जो बड़े हमको बता दीजिए कि नहीं, हमको बता दीजिए कि मजहब और धर्म में अंतर क्या होता है। हाँ, धर्म ड्यूटीज का नाम है ना, धर्म ड्यूटीज का नाम है, कर्तव्य का नाम है, कर्तव्य जिसको आपको करना जरूरी है, वही है ना धर्म। मैं बता देता हूँ, जो जो भगवान के तरफ से स्थापित किया गया है वो धर्म होता है, और किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है वो मजहब होता है। एक मिनट, तो जो मुस्लिम जो है, मुस्लिम धर्म जो है वो धर्म नहीं, वो मजहब है। एक मिनट, तो आपने पहले ये मान लिया कि जो हिंदुइज्म है वो भगवान की तरफ से स्थापित किया गया है और इस्लाम जो है वो इंसान ने बनाया है, आपकी पोजीशन पहले ही ये है। तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी किताब भगवान ने नाजिल की है, एक ईश्वर ने नाजिल की है कि जिसकी बुनियाद पर हिंदुइज्म कायम है, वो जरा उस किताब का नाम बताइए। भगवान ने कोई की भगवान ने केवल इंसान को बनाया है नहीं, तो उसने 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 जो धर्म है वो किस तरीके से स्थापित किया? भगवान ने धर्म का स्थापना, भगवान जब यहाँ धरती पर किसी धर्म को नहीं भेजे, हमने धर्म स्थापित किया, वो स्थापित किस तरह किया, जरा उसका प्रोसेस बताएं कैसे। मैं बता दे रहा हूँ, भगवान ने जो है धरती पर सबको हिंदू बना के भेजा था। आपने गीता रामायण महाभारत किसी में भी, आपको कैसे पता चला? ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, रामायण ये जो गीता रामायण महाभारत किसी में भी आप किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है, कहीं किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। आपको ये कैसे पता चला कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है? उसकी दलील ले मुझे, उसके इधर उधर न जाए, वो दलील ले मुझे। क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हिंदू धर्म था, इसके बाद तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि हिस्ट्री क्या है, मैं पूछ रहा हूँ भगवान ने धर्म कैसे स्थापित किया, उसका प्रोसीजर क्या है, वो मुझे बताइए। हाउ डू यू नो दैट? ठीक है सर, इसका जवाब तो फिर मैं आपको खोज करके बता सकता हूँ, हमको जानकारी में इसका नहीं है। इस चीज का आप जो आप बता रहे हैं, इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। तो आपने ये कैसे कह दिया कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है और इस्लाम जो है इंसान ने बनाया, इसका मतलब आपके पास जानकारी थी या वो खत्म हो गई या आपने झूठ बोला? आप दो में से एक बात मान लें। नहीं, इस चीज की हमको जानकारी है कि ये क्या नाम है, धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा किया था है, और किसी भी मजहब जानकारी उसको साबित कीजिए, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ने, उसको साबित। मैं बता दे रहा हूँ, आप क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम धर्म या बौद्ध हो गया, इन सब की स्थापना किसी न किसी एक आदमी ने किया है, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापना किसी आदमी ने नहीं किया है। भाई मैं उसकी दलील पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला, कितनी मर्तबा पूछूं आपसे? क्या बता दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म का स्थापना मोहम्मद साहब ने नहीं किया था? मैं मुस्लिम धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ, आपने दावा किया हिंदू धर्म की स्थापना भगवान ने की, ईश्वर ने की, उसकी दलील तो उसके बगैर आज छुट्टी नहीं है आपकी। ठीक है भैया, नहीं सुनिए, धरती पर हिंदू धर्म की फेबल आपको है ही नहीं था, मैं क्या बता आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं हिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उसकी दलील दो कि हिंदू धर्म भगवान ने उसकी स्थापना की, उसकी दलील दो, उसके बगैर छुट्टी नहीं है आज। नहीं ठीक है नदीम जी, ठीक है, इसके बारे में तो हमको पूछना पड़ेगा, पूछ करके हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, लेकिन मजहब और धर्म के बारे में आप अभी तक झूठ बोला है। हमने झूठ नहीं बोला, हमने किसी से पूछा इस चीज के बारे में, हमने किसी के बारे में पूछा था। आप ये मान लें कि आप बगैर जानकारी के बात कर रहे हैं। नहीं एक मिनट नदीम जी, एक मिनट हम बता दे रहे हैं, हमने किसी से पूछा मानने में क्या हर्ज है, ये मान लीजिए आप बगैर जानकारी के बात कर रहे थे। नहीं एक मिनट, हमने किसी से ये चीज पूछा था कि आप एक की बात बताइए कि हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है, फिर इसमें भगवान अलग अलग क्यों है? तो हमको बताने वाले ना, इन्होंने एक चीज इस चीज के बारे में बताया था कि नहीं, आप मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म या बौद्ध धर्म इसको आप धर्म नहीं कह सकते हैं, ये मजहब है। क्योंकि एक मिनट, आपको एक बताने वाले ने बताया, यहाँ दो बताने वाले आपको बता रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैन मेड एक खामखा का सिस्टम है, इस्लाम असल धर्म है। अब बोलिए क्या 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 फिर बोलिए। आपको किसी बताने वाले ने कुछ बताया, यहाँ आपको दो बताने वाले ये बता रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, पंडितों का बनाया हुआ एक ऐसे निजाम है, असल धर्म इस्लाम है। अब बोलिए आप मानेंगे? हम नहीं मान सकते हैं।
उस बताने वाले की बात मानने और दो मैं बता दे रहा हूँ उसने ये हमको बताया कि इंसान कोई भी हो जब धरती पर आता है तो वो हिंदू ही होता है। उसकी दलील क्या है भाई? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील दलील पेश करें सर। दलील तो हमको पूछना पड़ेगा तब आपको बता सकते हैं। अच्छा, हम आपको कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है, फितरत पे होता है। तब दो बंदों की बात बेहतर है। प्रूफ कीजिए। उससे पूछा ये प्रूफ? उससे पूछा प्रूफ? हाँ हमने पूछा। क्या है? हमने पूछा, उसने बताया कि भगवान ने जो है धरती पर सबको बराबर भेजा है, किसी को ऊंच नीच नहीं भेजा है। प्रूफ चाहिए आपको ग्रंथ से कोई सा भी प्रूफ दे दें, लॉजिकल दे दें, रैशनल दे दें, टेक्सचुअल दे दें, कोई सा भी दे दें, प्रूफ दें। आपने उससे पूछा था, आपने उससे पूछा था प्रूफ, जैसे हमसे पूछा प्रूफ क्या है, आपने उससे पूछा होगा प्रूफ क्या है। उन्होंने केवल एक चीज हमको बताया कि धरती पर जो है भगवान जब भेजता है सबको हिंदू बना के भेजता है, उनको बोलता है किसी चीज में भेदभाव मत करना, सब देवता है, सब में कृष्ण है, किसी साथ तुमको सब में भगवान दिखेंगे, भगवान यहीं पर है भैया। इसका एक सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए देखें, ये जो आपकी स्टोरी बदल रही है। पहले आपने कहा कि आपके पास एविडेंस है, फिर आपने कहा मुझे नहीं पता था, फिर आपने कहा किसी ने आपको बताया, फिर आपने कहा मैंने उनसे प्रूफ नहीं पूछा, पूछ के बताऊंगा, फिर आपने कहा प्रूफ दिया है। हमको जितना जानकारी, एक सेकंड, सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल मेरा ये है कि हमारे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है, नेटिव अमेरिकन की तारीख हम पढ़ते हैं तो वो उनमें कहीं हिंदुइज्म का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल किसी हिंदुइज्म का नहीं आया, तो वो हिंदू कैसे थे? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं आपको। तो आप जब नहीं बता सकते ना, तो आपको मैं बताता हूँ। देखें, आपकी जो बात है ना कि हर एक बंदा हिंदू पैदा होता है या हिंदू पहले सबसे, ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई दलील नहीं है, ये आपने खुद से बनाई है। जिसने एक मिनट, आराम से, ठीक है। जैसे जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, मैं चुप रहा था, मैं बात करूं तो आप भी जरा सुन लें। देखें, जब इन बच्चा कोई पैदा, जब नेटिव अमेरिकन की भी जो हम तारीख पढ़ते हैं ना, तो वो भी कहते थे कि एक बनाने वाला है, एक बड़ा है, एक की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। जो ये एक फितरी इस्लाम है, इस्लाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम से नहीं शुरू हुआ, ये आपकी पहली गलती है। हम मुहम्मदी नहीं है, हम मुस्लिम हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। उनकी जो आप टीचिंग्स पढ़ें, जब 10 कमांडमेंट्स पढ़ें, तो वो भी एक अल्लाह की इबादत करते थे, उस वक्त जमाने के नबी की इत्तबा और एक अल्लाह की इबादत। आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक ये एक ही दीन है इस्लाम। देखें, मजहब जब आप पूछना चाहते हैं तो अरबी का लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज नहीं है। दहबा मजहब, एक रास्ता जो होता है। अब मदाहिब जो हैं, जैसे हनफी मजहब है, शाफी मजहब है, हम्बली मजहब है, ज़ाहिरी मजहब है, मालिकी मजहब है, ये मदाहिब हैं, ये एक रास्ते हैं हक तक पहुंचने के लिए। इस्लाम दीन है, दीन उल इस्लाम। इस्लाम वही दीन है जिससे आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जो मुसलमान है एक ही दीन पे चल रहे हैं। अंबिया औकात और जमान के साथ आते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनमें से कोई भी हिंदू नहीं था, ठीक है। इब्राहिम तो आप भी मानते होंगे थे, जैसे क्रिश्चियन जूस तारीख में सब मानते हैं, तो वो कोई हिंदू तो नहीं था ना। मूसा अलैहिस्सलाम भी आप मानते हैं, मोसेस था, वो भी हिंदू नहीं था। जीसस एक बंदा तो था, अगर आप उसको खुदा माने या नबी माने वो दूसरी बात है, लेकिन था तो ना, तो वो भी हिंदू नहीं था। तो ये कहना कि सब हिंदू हैं, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। ये कहना कि सब मुसलमान हैं, तो मुसलमान का माना क्या है? असलमा, जो अपने आप को रब के सपोर्ट करे, तो वो बिल्कुल मुसलमान थे। तो इस्लाम असल दीन है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे हम ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज।